तो मेरे 5 किलोमीटर अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ आमिर सिराज और आज फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज आया था मैं स्टेडियम, ये अभी नया स्टेडियम बन रहा है जो कि शिवा से नज़दीक ही है और जो पानीपत में नया बस स्टैंड बन रहा है शिवा के पास, उसके जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये यहाँ पर अंदर आके 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर आके है ये। तो अभी बस थोड़ी रनिंग कर लेते हैं मैं और आयुष्मान इधर थोड़ा सा वार्म अप कर रहा है। तो 5 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं अभी इस पर सिंथेटिक स्टेडियम पे, सिंथेटिक रोड पे, ट्रैक पे, क्या क्या बोल रहा हूँ अभी। तो थोड़ा सा 5 किलोमीटर की रनिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाता हूँ आपको ये पूरा स्टेडियम। तो मेरे 5 किलोमीटर अभी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और आयुष्मान एक एक्स्ट्रा राउंड लगा रहा है पूरे स्प्रिंट का, और शायद ये रहा वो आखिरी राउंड लगा रहा है अभी स्प्रिंट लगा रहा था मैं, रुक गया। पूरे दिन से धूप नहीं थी और जब हमारा समय आया रनिंग करने का फिर धूप भी निकल गई, क्या बात है। वैसे यहाँ पे पानी निकालने के लिए ये भी दिए हुए हैं होल्स और इसको भी सिंथेटिक से कवर किया हुआ है। तो आयुष्मान आज तुम पहली बार आए इधर? हाँ, द ट्रैक इज़ वेरी गुड, बहुत मज़ा आया इस ट्रैक पे जॉगिंग करके। मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस ट्रैक को, सिंथेटिक ट्रैक होगी पानी को जैसे शहर में अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात, कुछ अच्छा कर रही है स्पोर्ट्स के लिए। तो बस अब एक दो फोटो शूट करते हैं यहाँ पर और फिर निकलते हैं अपने यहाँ से। 5 किलोमीटर किया आज, तेरे कितने मिनट होगा 5 किलोमीटर? देखना पड़ेगा यार, मेरे ख्याल में कुछ 23 मिनट्स 22 मिनट्स। 24 मिनट तो मेरा होगा यार, 24 मिनट तेरा मेरे बाद ही होगा, नहीं तेरे मेरे में 15-20 सेकंड का तो फासला था। हाँ हो सकता है, 24 मिनट 23 मिनट ऐसे चल रहा था आज, काफ़ी फास्ट हुआ। आज तेरे साथ में था ना इसलिए, नॉर्मली जो स्टैमिना रनर्स होते हैं वो इतना फास्ट नहीं करते हैं। अरे 17-18 मिनट में करते हैं वो 5 किलोमीटर। आपकी दो मसल होती है, एक स्ट्रेंथ मसल होती है, एक स्टैमिना मसल होती है, आपको दोनों को ट्रेन करना चाहिए। स्टैमिना मसल जब आप लॉन्ग रन जाते हो, स्ट्रेंथ मसल जब आप लॉन्ग रन फास्ट रन जाते हो, तो तब उसमें दोनों मसल ट्रेन हो जाती है। तो दैट्स वेरी गुड, आपको बीच बीच में ऐसा करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का दिखता है पूरा का पूरा स्टेडियम, पूरा पूरा ग्राउंड, और देख सकते हैं आप पूरे 400 मीटर का एक ग्राउंड है पूरा, और पीछे ये सारे होल्स हैं। और अभी पीछे आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर और आपको मिलता है या फिर क्या क्या अभी काम चल रहा है। तो वो सामने उधर मेन गेट है, और अगर मेन गेट से हम इधर सामने की तरफ आएंगे तो इधर हमको वॉशरूम मिल जाते हैं मेल और फीमेल दोनों, लेकिन अभी जो है इसका काम रोका गया है, अभी सब बंद पड़ा है ये। तो ये है पहला होल, काफ़ी बड़ा है, मतलब यही जो है सबसे बड़ा होल यही है। और उसके बाद आता है ये सेकंड वाला, इसमें भी पंखों का काम हो चुका है, खिड़कियाँ लग चुकी हैं और सभी गेट भी अभी लग चुके हैं इसमें, लेकिन थोड़ी फ्रेश को और फिनिशिंग देने का काम अभी चल रहा है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं पंखे लगे, काफ़ी सारे पंखे लगाए गए हैं इधर। तो ये है एक बास्केटबॉल कोर्ट, और उसके बाद आता है ये टेनिस कोर्ट, अभी बीच में जाल लगा नहीं है। इधर है वॉलीबॉल, ये वॉलीबॉल का, और इधर है बास्केटबॉल का कोर्ट, हाँ इनको कोर्ट कहते हैं। और आयुष्मान उधर, और उसके बाद एक काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल, जी हाँ यहाँ पर पानीपत में स्विमिंग पूल भी है आपके पास। तो जिस मटेरियल से, मुझे नहीं पता ये कौन सा मटेरियल है, लेकिन जिस मटेरियल से बनी है, कोई पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है, ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट साउंड सुनिए इसकी, तो ये हार्ड नहीं है। अगर खेलते हुए कोई गिर भी जाता है तो चोट नहीं लगेगी इस पर। और जो शिवाजी स्टेडियम जो पानीपत में मॉडल टाउन में, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं और टाइल्स ही फ्लोर है सारा, तो उधर ऐसा।
तो बस अब इस स्टेडियम को यहीं से अलविदा करते हैं, काफ़ी खूबसूरत स्टेडियम है, और निकलता हूँ अपने घर के लिए। सो फाइनली आ चुका हूँ मैं घर, तो बस अब नहाकर फ्रेश होकर अपना मील लेता हूँ और खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद आराम से पढ़ कर सोएंगे। 7:30 तो बज ही रहे हैं अभी, तो आज थोड़ा जल्दी सो जाऊँगा। थैंक यू गाइस आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए, और मुझे लगता है कि अब तक आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, तो चैनल में को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए।